हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्तों, आपका स्वागत है एवरीडे विद भगवद गीता सीरीज में। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का आखिरी श्लोक, यानी कि भगवद गीता के पहले अध्याय का 46वां 1.46 श्लोक को अध्ययन करेंगे। श्री श्री राधा कुंजारी भगवान श्री श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद एवं समस्त भक्तों के चरण वंदन से प्रार्थना करते हैं कि हमें आज के श्लोक की परम शिक्षा मिले और भगवान की इस वाणी को अपने हृदय में हम लोग ग्रहण धारण कर सके। तो आज भगवद्गीता के पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है, तो आज के दिन हम इन 46 डेज में कंप्लीट भगवद्गीता का एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अन्य दिनों में आने वाले समय में इन चैप्टरों के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से डेली आप ऐसे श्रवणम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे 700 भगवद्गीता के श्लोक आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और इन भगवद्गीता के श्लोकों को आप डेली, और डेली जो हमारी मॉडर्न लाइफ है इसके माध्यम से समझ के आप अपने जीवन में उसको धारण कर सकेंगे। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं। ये जो आखिरी श्लोक है भगवद्गीता के पहले अध्याय का 46वां श्लोक, ये संजय के द्वारा बताया गया है। संजय जो है वो धृतराष्ट्र को एक टीवी के रूप में, समझिए कि धृतराष्ट्र जो था वो हस्तिनापुर में बैठा था, और संजय दिव्य दक्षी यानी कि उनके गुरु वेद व्यास मुनि जी ने उनको दिव्य चक्षु दिए थे। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं कोई लाइव ब्रॉडकास्ट, फेसबुक पे कोई लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हैं, इसी प्रकार से संजय जो था वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था कि धर्मभूमि जो कुरुक्षेत्र है वहां पर क्या हो रहा है। संजय भगवान का भक्त था और वेद व्यास मुनि उनके गुरु थे, तो दिव्य चक्षु के द्वारा वो सब देख पा रहे थे कि वहां पर क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो समय को रोक दिया था और अर्जुन के रथ को एकदम बीच में लाके एक तरफ कौरव तथा दूसरी तरफ पांडव को रख दिया था। और यहाँ पर पिछले श्लोकों में हम क्या देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो पूरी तरह से ग्रस्त होके अब हार मान चुका है और युद्ध करने के लिए सफाई मना कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋजुन सांख्य रथो पस्त उपाविशत विसृज्य स शरम चापम शोक सम विघ्न मानसः। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुना सांख्ये रथो पस्ता उपाविशत विसृजा सा शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा भाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। प्रभुपाद जी ने बहुत अंझा तात्पर्य इसमें लिखा है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम इस श्लोक में क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। अर्जुन अब यहाँ पर एकदम शांत हो गए। जब व्यक्ति इस संसार के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है तो उस समय वो क्या हो जाता है, एकदम मायूस हो जाता है, शांत हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, एक तो वो किसी ऐसे व्यक्ति की शरणागति ले जो कि उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जिनको हम गुरु कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, और वो उन मसले का उनसे हल निकाल के और उनको सुझाव बताएंगे कि आप इस संकट से कैसे बाहर आ सकते हैं। और दूसरे प्रकार क्या होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं करते, इसी प्रकार से ही कार्य करते हैं। और ये जो दूसरी कैटेगरी है ये कैटेगरी को पशु के समान बताया गया है, मतलब वो प्रयास नहीं करते। अब इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं और वो क्या होते हैं कि एक, मान लीजिए एक सांप आ रहा है और चूहा सांप को देखने के बाद क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर देता है। अब आंखें बंद करने से सॉल्यूशन या रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा, सांप तो आएगा चूहे को तो खा जाएगा, लेकिन जो चूहा है या कोई खरगोश ले लीजिए, खरगोश क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर देता है। वो किस कारण आंखें बंद कर देता है, वो अपनी दुनिया में रहता है कि नहीं मेरे हिसाब से कोई सांप वाप नहीं है, लेकिन परंतु सांप है। इसी प्रकार से अर्जुन ने क्या किया, शांत हो गया, कुछ बोला नहीं और शांति के विमुख अर्जुन ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया जो आने वाले श्लोक, जो कि भगवद्गीता का सार है दूसरे अध्याय का, जहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हुए।
अब देखिए इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने एक भी अल्फाज नहीं कहा, एक भी आप देखिए कोई श्लोक में बताया नहीं है भगवान श्री कृष्ण के श्री भगवान उवाचा। दूसरे अध्याय में इस पहले वाले जो अध्याय है उसका नाम क्या है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब क्या हो रहा है कि भगवान क्या करते हैं, पहले कोई भी स्टेप नहीं लेते, सामने वाले भक्त की इच्छा देखते हैं कि हकीकत में वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है कि माया को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान क्या करते हैं, इतने दयालु कि भक्त अगर एक कदम आगे बढ़ता है तो भगवान 100 कदम आगे आते, पर भक्त को भी तो एक कदम आगे बढ़ना है। भगवान की भक्ति जबरदस्ती नहीं की जा सकती, भगवान की भक्ति फोर्स के माध्यम से नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मान लीजिए एक घोड़ा है और वो घोड़ा क्या करता है, उसे आप घसीट के नहर की तरफ लेके जाते हो कि घोड़े को कहते हो कि आप क्या कर लो, खा लो, परंतु घोड़ा मतलब पानी पी लो, परंतु घोड़ा जो है वो क्या करता है, वो पानी नहीं पीता, क्योंकि घोड़े को प्यास नहीं है। आप कितना भी घसीट लो, नहर में जाके घोड़े को डाल दो, वो पानी नहीं पिएगा, परंतु जिसको भूख लगी है, जिसको प्यास लगी है, वो साक्षात खुद नहर पे आके पानी पिएगा। इसी प्रकार से भगवान की जो भक्ति है वो एक स्वतंत्रता है। हम प्रत्येक जीवों को एक भगवान ने स्वतंत्रता दी है, भगवान की सेवा करेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम माया की सेवा करेंगे, अपने जीव को भोग में लगाएंगे, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करें, अपनी इंद्रियों को जो है भोग वासना में लगाने के बाद उसको संतुष्ट करेंगे, जो कि आज पूरे संसार में लोग प्रयास करने के बाद भी संतुष्ट नहीं कर पाए, वो और भी खोज कर रहे हैं कि हमें और खुशी चाहिए, और खुशी चाहिए, ये विकल्प कर लेंगे, ये विकल्प कर लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बंगला लेंगे, इससे बड़ा बंगला, अभी इंडिया में, अब अमेरिका चले जाए, अब अमेरिका में बिजनेस खोलेंगे, अब बड़ा एम्पायर चाहिए, ये चाहिए, ऐसी ये लालच जो है, हमारे जो लोभ है हमारे हृदय में, वो कभी भी शांत होने वाला नहीं है। और आप अपने जीवन में खुद एनालाइज करिए कि लोगों ने जिन जिन चीज़ों ने प्राप्ति करने के बाद भी उनको और ज़्यादा विश्रम करते, और श्रम करते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ऐसी है कि कृष्ण भक्त निष्काम तैव शांत भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त होता है वो सदैव शांत होता है, क्यों, कि वो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है। इसी प्रकार से प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पर बोलना एकदम शांत हो गए, और ये संजय जो है वो धृतराष्ट्र को रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर युद्ध स्थल में ये चीज़ बोल। अब अर्जुन की विकल्प, अब देखिए अर्जुन ऐसी स्थिति में कहता है कि मैं मृत्यु मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं युद्ध नहीं करूँगा। हालांकि वो क्षत्रिय थे और भगवान के भक्त थे, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर अब युद्ध करने के लिए बिल्कुल ही सफा मना कर दिया कि भाई अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अर्जुन का जो गांडीव धनुष था ना, वो उनको देवी देवताओं के माध्यम से प्राप्त हुआ था, और वो गांडीव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, वो गांडीव धनुष भी स्लिप हो गया, एकदम गिर गया, और गिरने के बाद क्या किया, उनको एकदम साइड में रख दिया। अब साइड में क्या होता है, एक योद्धा होता है उसके हाथ में तलवार होगी तो वो लड़ेगा, तलवार के बगैर उसके लिए लड़ना बहुत कठिन परिस्थिति हो जाए। अब उसके जो भी सहारा था उसको अर्जुन ने साइड में रख दिया और एक टेका लगा के क्या कर दिया, रथ के बिल्कुल आसन लगा के एकदम बैठ गया शांत। तो दीक्षा, हम जब भक्तों की दीक्षा होती है, प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा सुंदर तात्पर्य दिया था, हम सब सुन रहे थे आज, तो बोले दीक्षा का क्या मतलब है, दीक्षा का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है वो एक रथ के समान है और इसको चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण है। जब हम अपने रथ को यानी कि शरीर को कृष्ण के हाथ में जो कि ड्राइवर है दे देते हैं, तो उस समय हमारी दीक्षा होती है, क्योंकि भगवान को पता है कि इस मोह माया के बंधनों से कैसे छुटकारा मन के इस शरीर नाम की जो हमें भौतिक संसार में जो शरीर मिला है उसको कैसे ड्राइव करना है। जब हम अपनी इच्छाएं और हमारी जो सोच बोझ है और हमारे जो प्लान है वो कृष्ण पर निर्भर करते हुए करेंगे कार्य, तो 100% हमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार से ऐसी सिचुएशन आई थी कि अब क्या होता है कि काफ़ी भक्त, काफ़ी लोग ऐसा विचार करते हैं कि अब चूंकि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, जैसे कि अर्जुन ने भी डिसीजन नहीं लिया, अब वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल थिंग हमको अपने जीवन में करना चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन क्या है कि ये भक्ति वक्ति हमसे नहीं होगी, भगवान को हमने देखा वेखा नहीं है। अर्जुन ने भी क्या प्राप्त कर लिया था, जैसे कि आज अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन शुरू में क्या कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, परंतु अंत में जाके जब भगवद्गीता खत्म होती है उस समय 700 श्लोक सुनने के बाद और वार्तालाप होने के बाद वही अर्जुन जो कि बाण छोड़ गया था, बाण उठा के युद्ध करता है और उसे अजय प्राप्त होती है। क्यों,
हम भी आज जीवन के अंदर बड़े निराश हैं। कभी हमारे सज्जन मित्र तथा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करके क्या हो, किसने क्या प्राप्त किया, किसने भगवान को देखा है, खाओ पियो मजा करो, आनंद लो, इस संसार को भोगो और नरक में जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, किसने देखा है, तैयार है बहुत बड़ा नर्क आने वाले समय में, इतना कठिन परिस्थिति होगा कि यमदूत लेने के लिए आते हैं ना, गरुड़ पुराण में तो ऐसा बताया कि व्यक्ति की आंखें बाहर आ जाती है, मलमूत्र तक त्याग कर देता है। अगर ये आपको विश्वास नहीं है तो कोई मृत्यु की शैया पर बैठा है ना व्यक्ति, उसके साथ जाके कुछ दिन गुजार लो, आपको पता चल जाएगा ये संसार में हमारे साथ भी होने वाला है। बड़ा कठिन है, ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लोग राय देते हैं कि ऐसे भक्ति भक्ति से कुछ नहीं होता, कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, सब बेकार की बात है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, माला करना, मंत्र जाप करना, ऐसे बहुत सारे कारण आते हैं। परंतु अगर हम लोग डिटर्मिनेशन है, अगर हम लोग बहुत पक्के तरह से हमने सोच लिया कि कृष्ण को प्राप्त करना है, हमारा जो इंथूजियम उत्साह है अगर वो बना रहेगा, डिटर्मिनेशन लगा रहेगा, तो सारे संक्षेप हमारे हृदय से खत्म हो जाएंगे, कलमश खत्म हो जाएंगे, और जितना भी दुख दर्द जो अर्जुन की नज़र में आज आपको देख रहा है वो खत्म होके अर्जुन की तरह ही हम भाव यानी कि अर्जुन का जो गांडीव धनुष था वो उठा के इस माया रूपी संसार के अंदर, ये जो संसार है इसका युद्ध करने में लग जाएंगे। तो असल में हमारा कोई शत्रु बाहर नहीं है, हमारा शत्रु हमारे अंदर ही है, काम क्रोध मत लोभ को, कोई शत्रु बाहर नहीं है, हमको शत्रु भी जो है अंदर से हम बनाते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। अगर हमारा अंदर का शत्रु बिल्कुल अगर हमारा मित्र बन गया ना, तो हम इस पूरे संसार को प्रास्त कर सकते हैं, जैसे कि अर्जुन ने किया, भगवान श्री कृष्ण की इंस्ट्रक्शन को मन के इस पूरे संसार को भगवान की भक्ति के माध्यम से देखा, और भगवान की भक्ति के माध्यम से देखने के बाद उसने उन सबको आत्मा के रूप में देखे, अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको प्राप्त किया। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य इसमें बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु वे शोक से इतने संतप्त हो उठे थे कि अपने धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। यानी कि साधु का एक लक्षण होता है कि साधु कौन होता है, कोमल हृदय का होता है। अभी हमारे हृदय में इतनी गंदगी है प्रभु जी माता जी कि हम इस मंदिर के अंदर हृदय के अंदर भगवान का विश्राम करवा ही नहीं सकते। आप खुद सोचिए अगर हमारा हृदय गंदगी से भरा होगा, काम क्रोध मद लोभ मोह, इस संसार को भोगने की इच्छा, इस संसार को पाप करने के माध्यम से जैसे कि चार नियमों का पालन तोड़ के, मांस खा के, नशा करके, जुआ खेल के, परस्त्री संग करके इस संसार को भोगा जाता है, और जब इस संसार को हम भोगते तो पाप कर्म करते हैं, ये इसको आध्यात्मिकता में गंदगी के समान बताया गया। जैसे कि मान लीजिए हम सुअर को देखते हैं, सुअर मलमूत्र खा के प्रसन्न रहता है, हम क्या सोचते हैं कितना गंदगी में रहते हुए कार्य करता है। इसी प्रकार से जब भगवान के संत भक्त महात्मा और भगवान साक्षात जब देखते हैं कि इस संसार में जीव जो है तरह तरह के भोगों में लिपटा हुआ, तो उनको भी घृणा होती है। हमारे हृदय की सफाई करने के लिए उसको कोमल जो कि ऑलरेडी है गंदगी के कारण खराब हो चुका है, इस संसार में आते हैं, हमें दिव्य संदेश सुनाते हैं और हमें कहते हैं कि भगवान की भक्ति में लगो, और भगवान की भक्ति में और मन को कोमल करने का जो साधन है वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन तथा जाप से मुमकिन है कि हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये आप सब भक्तों से अनुरोध है, यदि आपका कोई प्रश्न है आप 00971556446458 पर पूछिए, अपने सारे रिमूव डाउट करिए भगवद्गीता के माध्यम से, भगवान की भक्ति प्राप्त करिए, भगवान के आश्रय में रहिए, अपने इस जीवन को सफल करिए। ये जीवन पूरी तरह से संसार में चिंताओं से घिरा हुआ है, भगवान की केवल भक्ति में ही आनंद है, अगर आप करेंगे आपको अनुभव होगा। और भगवान का भजन करने का मतलब है कि ये जो भक्ति जो हम ये सुन रहे हैं इसको आप इम्प्लीमेंट करके इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण करें। तो यही समाप्त करेंगे, आज आप सब भक्तों को बधाई हो, आज हमने भगवद्गीता का चैप्टर 1 पूरी तरह से कम्प्लीट कर दिया विद एक्सप्लेनेशन। इसी प्रकार से आप आने वाले समय में भी आएंगे तो भगवद्गीता के दूसरे तीसरे और एक दिन आएगा 18 अध्याय तक पूरी तरह से आप समाप्त कर पाएंगे। श्री श्री राधा कुंजवारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमनंदी हरि हरि बोल।